बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मॉडिफिकेशन सर ने करवाई है। पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई डिटेलिंग आपसे मिस हो जाए। दोस्तों वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ सतपाल जी है, तो थैंक यू सर। तो इनके पास स्लीट है सर, ये कौन सा एडिशन है? ये स्लीट लिमिटेड एडिशन पहले आता था, 500 पीस आए थे पहले, उसके बाद अब स्लीट सबको मिल रही है, तो स्लीट है। एबीएस वर्जन है सर? एबीएस वर्जन है। ठीक है, कौन सा ईयर था सर इसमें? ये 2019 है। अच्छा, 2019 यानी लेटेस्ट मॉडल है, एबीएस होगा सर ये? एबीएस है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई है डीए मॉड से, जिनका मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था बोर्ड। ठीक है, तो हम दिखाएंगे छोटी छोटी इनमें कौन सी मॉडिफिकेशंस हुई है, सर के साथ डिस्कस करेंगे, सर से पूछेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट गाइस। तो दोस्तों आपके सामने है स्लीट 2019 का मॉडल एबीएस के साथ। तो इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस मैं आपको अभी भी दिखाने वाला हूँ, सब बेसिक है, जो कि हर हिमालयन लेने वाले इंसान को मेरे हिसाब से करवानी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं शुरू से और एक बार देखते हैं, आपको फ्रंट लुक दिखाते हैं पहले एंड फटाफट दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे आप देख पाएंगे डीए मॉड्स वालों का इन्वेंशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेग गार्ड है, रॉयल एनफील्ड की कंपनी वाला ही जो देते हैं वो। पर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक जोड़ सा लगाया हुआ है साइड में, एक और रॉड जो है एक्सटेंशन लगाई हुई है, एक अलग से एक्सटेंशन दिखी हुई है। ये क्या कर रही है, इस हल्के से रॉयल एनफील्ड ने जो लगवाया हुआ है इसको और ज़्यादा ड्यूरेबल कर दे रही है, पक्का कर दे रहा है ये बोल्ट जो यहाँ पे इसे रॉड को अटैच किया है। दोस्तों यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे क्लिप सी लगी हुई है, ये यहाँ पे क्लिप सी लगी हुई है, ये क्या ना बहुत अच्छी क्लिप है, अगर आप लगवा सके से तो एक छोटी सी पत्ती लगा के यहाँ पे लगवा ले, ये क्या होता है तारों को एक साथ रखती है। एलईडी जो है हेलिक्स की है, हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, वो ये है कि आप देख सकते हैं एक स्पेशल पत्ती डिजाइन की हुई है, ठीक है, इसे लगाने के लिए। तो नहीं तो जनरली क्या होगा, फॉग लाइट्स आपको दिखेंगी या तो ऊपर हेडलाइट के पास या तो आपको दिखेगी लेग गार्ड में, दोनों जगह मेरे हिसाब से यार इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं आ पाती जितना यहाँ पे है, क्योंकि इससे क्या होगा आप इसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आगे आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेशल पत्ती जो इन्होंने डिज़ाइन की है हिमालयन के लिए, ताकि वो फॉग लाइट इसमें लगा सके दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मैंने बहुत सारे नकल गार्ड्स देखे हैं, बहुत सारे डर्ट बाइक्स लाए, स्क्रैम्बलर्स लाए हैं, पर ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक क्लासिक लगा, क्योंकि क्लासिक इसलिए लगा क्योंकि इसका मैट फिनिश थी एंड मैट फिनिश के साथ साथ इसमें आपको मिल जाते हैं DRL एंड इंडिकेटर लाइट्स, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये मैं जला के दिखा दूँ आपको डे लाइट में भी, एज वेल एज एक रात का शॉट भी मैं डालूंगा, वो वीडियो के एंड में होगा दोस्तों। जी हाँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको उसको कैसे लग रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है, इस पर जो प्रिंट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस ये ड्यूरेबल भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि एक बार गिरा धंधा टूट गया, क्योंकि ऐसी चीज़ लेने से अच्छा है कि यार चीज़ ना ही दी जाए तो बेटर रहता है दोस्तों। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप एक वो लगाया इन्होंने जो ये होल्डर है, ये भी काफ़ी अच्छा होल्डर है। ओके, इन्होंने जो यूज़ किया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा आपको अपराइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर को दिख रहा होगा, रेस दिख रहा होगा, ये भी रेस करवाया हुआ है इन्होंने, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे रेस करवाया हुआ है। ये ना एक्चुअली क्या होता है, जो भी बंदे आपको आप देखेंगे जो लोग अपना टूरिंग ज़्यादा करते हैं, क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं, उनको ना हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर ही चाहिए होता है, तो इन्होंने क्या किया अपना हैंडल बार चेंज नहीं किया, वही रहने दिया। ये आप दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ये BS3 का है, ये क्यों है आप जानते हैं कि बैटरी बचाने के लिए सारे लोग आजकल BS4 चेंज करवा कर BS3 करवा दे रहे हैं, इसको ऑन कर देते हैं। अब आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ मैं एक बार लाइट कैसे दिख रही है दोस्तों, ठीक है, ऑन करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था वो पीछे कि क्यों इसकी जो LED यहाँ पे फॉग लाइट है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पत्ती लगा के लगाना। आप सब जानते हैं जो हिमालयन चलाते हैं कि हिमालयन की हेडलाइट्स हमेशा फ्रंट फेसिंग रहती है, चाहे आप हैंडल बार को लेफ्ट राइट भी करेंगे वो फ्रंट फेस ही रहेगा, ठीक है, लेग गार्ड पे भी आप लगाएंगे तब भी वो फ्रंट फेस ही रहेगा। तो फॉग लाइट के लिए पत्ती लगाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, अगर पत्ती लगा के ये आगे शॉकर्स में लगा होगा, ठीक है, आगे फोक पे लगा होगा, तो आप जिधर को अपना हैंडल बार करेंगे आप उधर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं लाइट, अगर लेफ्ट को करेंगे तो लाइट आप लेफ्ट में दिखा सकते हैं, राइट को करेंगे तो आप राइट को देख सकते हैं।
दूसरी यहाँ पे इन्वेंशन जो की है डीए मॉड्स वालों ने, वो ये आप देख सकते हैं पीछे कैरियर में। यहाँ पे सिंगल बोल्ट होता है जिससे ज्वाइन होता है, यहाँ पे आप डुअल बोल्ट देख पा रहे हैं। तो ये डुअल बोल्ट इन्होंने खुद लगाए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्यों है ज़बरदस्त मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये क्या होता है, ये बहुत ढीला होता है, यहाँ से जब आप इसे ऊपर करते हैं तो ये ऊपर नीचे झूलता है। आपका क्या होगा, जब ये दोनों बोल्ट्स यहाँ पे लगे होंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं झूलता दोस्तों, इतना ज़्यादा पक्का हो जाता है कि आप यहाँ से पकड़ के ना पूरे का पूरा बाइक उठा सकते हैं। जैसे आप लद्दाख जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे बाइक फंस जाते हैं, तो आप इसे वहाँ से भी कैरी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के पास हिमालयन है तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि बाइक में साइड में रिफ्लेक्टर्स नहीं दिए जाते, तो यहाँ पे बस जगह होती है खाली, रिफ्लेक्टर नहीं होते। ये सिर्फ उन्हीं बाइक्स में होते हैं जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, यूएसए जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं उनमें। तो ये आफ्टर मार्केट लगवाया है सर ने। उसके बाद मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि इसका जो हैंडल बार है रेज्ड है, क्योंकि इनको इसका पर्सनल हैंडल बार पसंद है, इसलिए इन्होंने इस पर राइजर लगाया है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों। ये जो फीचर आप देख रहे हैं पीछे स्ट्रोब लाइट है, ये दोनों तरफ जो लगाई है, लेग गार्ड हो गया, मेरे हिसाब से तो ये बाइक में एक सेफ्टी फीचर की तरह दे देना चाहिए, जैसे कि आजकल अपना लाइट्स वाला सिस्टम कर दिया कि हमेशा ऑन रहेगी, तो वैसे ही जो स्ट्रोब लाइट है ना उसको भी सेफ्टी फीचर में ऐड कर लेना चाहिए, जो भी हाईवे पे चलाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आपको एक नाइट का शॉट दिखाऊंगा, तो यही वही वाला नाइट शॉट है जो मुझे ऐड करना था। हाइलक्स की स्ट्रोब लाइट्स आप देख सकते हैं, अब आपको समझ आएगा। देखें अब मैंने इसको राइट किया हल्का सा, अब मैंने सीधा किया, तो ये क्या है, उसी तरह लेफ्ट किया मैंने, सीधा किया, राइट किया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि मेरी स्ट्रोब लाइट ऐसी जगह लगी, सॉरी स्ट्रोब लाइट बोल रहा हूँ, मेरी फॉग लाइट ऐसी जगह लगी है जहाँ से मैं किधर को भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, यानी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो इसकी हेडलाइट क्या आगे दिखती रहती है। अगर मैंने यही सेम चीज़ अपने लेग गार्ड में लगाई तो तब भी वो भी सामने कोई प्रोजेक्ट कर सकता, फिर फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके DRL लाइट्स, एंड मैंने पीछे स्ट्रोब भी दिखा दिया है, स्ट्रोब कैसा लग रहा है, हालांकि स्ट्रोब और ज़्यादा ब्राइट लगता है, वीडियो में इतना नहीं आया दोस्तों, अब थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आप ज़्यादा ध्यान से देख पाएंगे कि कितनी प्यारी लग रही है इसके नकल गार्ड में ब्लू कलर की लाइट्स। अब एक बार आपको इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इंडिकेटर देख रहे हैं जला हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे अभी लेफ्ट इंडिकेटर इसके जले हुए हैं, ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है वहाँ पे जहाँ पे ब्लू लाइट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। हालांकि मैंने दिन में भी दिखाया, तो दिन में सिर्फ आपको ब्लू लाइट दिख रही थी क्योंकि वो DRLs थे एंड ऑरेंज लाइट इतनी ब्लिंक नहीं हो रही थी, पर रात को और हाईवे पे छोटी छोटी लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकती हैं। एंड अच्छा, अगर आपको इतना अच्छा एक चीज़ मिल रही है जो आपको इतनी अच्छी क्लासिक लुक दे रही है, तो फिर मेरे हिसाब से वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर लगानी चाहिए। उसके साथ साथ स्ट्रोब मैंने एक बार आपको दिखा दिया था, एक बार यहाँ से देख लीजिए आप फिर से, ताकि कोई मलाल ना रह जाए कि हाँ भाई मैंने नहीं दिखाया था ढंग से। तो एक बार देख लीजिए स्ट्रोब, एंड आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ लाइट। लाइट में हेडलाइट नहीं ऑन करूँगा दोस्तों, इसके हेडलाइट नॉर्मल है, मैं आफ्टर मार्केट लाइट ऑन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि आफ्टर मार्केट लाइट कैसी लग रही है। तो ये स्ट्रोब ऐसे ही करता रहेगा ब्लिंक, और दूर से आपको पता लग जाएगा, चाहे जितनी मर्जी स्मॉग है या फॉग है, दूर से पता चल जाएगा कि आप जा रहे हैं दोस्तों। ओडोमीटर से मुझे प्यार है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हिमालयन का ओडोमीटर बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन पहले मुझे थंडरबर्ड का बहुत पसंद था, पर जब मैंने हिमालयन का देखा तो हिमालयन का भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था दोस्तों। सतपाल जी ने अपना बाइक दिखाया और सब व्यूअर्स के साथ उसे शेयर किया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ उनको, एंड रॉयल राइडर ग्रुप को भी, एंड उसके साथ डीए मॉड्स को भी जिन्होंने इसकी मॉडिफिकेशंस की है। एक बार फिर से बता देता हूँ, डीए मॉड्स है गुड़गांव में दोस्तों, कटारिया चौक में, गूगल में भी आप देख सकते हैं। नंबर चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर दीजिए, मैं भाई साहब का नंबर दे दूँगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनका वीडियो बना के, अगर आप लोगों को भी मज़ा आया इस वीडियो को देख के, या काम आता है आपको, या फिर आप और कोई सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि इस बाइक में ये भी होना चाहिए था, तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इससे क्या होगा ना यार, मुझे भी हेल्प होगी, ठीक है, कल को किसी को बताने के लिए, और भी कोई लोग, दूसरे लोग जो वीडियोज़ देख रहे हैं उन लोगों की भी हेल्प होगी। आपके कमेंट करने से बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स देखते हैं, तो अगर आप एक अच्छा कमेंट करते हैं जिससे किसी और की हेल्प हो पाए, तो वो बहुत बेटर रहता है सबके लिए, आपके आपकी आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और दूसरों को भी नॉलेज मिल रही है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।